अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किडी लर्निंग विद फन। आज जो हम लाए हैं वो एक न्यू वीडियो है। ये भी बच्चों के हवाले से है। बच्चों के साइकोलॉजिकल फैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं ये मदर्स को पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो बच्चों के टेंट्रम्स, बच्चों की चीज़ों को अच्छे से संभाल सकें। वैसे तो मामा वैसे भी अच्छे से ही संभालती हैं, लेकिन चलें आए हम डिस्कस करते हैं। डू यू नो वी यॉन इवन इफ़ वी आर नॉट एग्जॉस्ट और स्लीपी। क्या आपको पता है कि बच्चों को नींद नहीं भी आ रही हो और एग्जॉस्ट नहीं भी हो, तब भी वो यॉनिंग कर सकते हैं? ये बात आपको पता थी क्या? नहीं ना। ओके जी, नेक्स्ट फैक्ट की तरफ आते हैं हम। नेक्स्ट फैक्ट क्या है? फूड प्रिपेयर्ड बाय समवन एल्स टेस्ट्स मच बेटर देन इट व्हेन यू यूज़ द सेम रेसिपी। मतलब रेसिपी वही सेम हो, लेकिन अगर किसी और ने बनाई हो तो वो और टेस्टी लगती है बच्चों को। वैसे मोस्टली बच्चे बाहर जाके हमें और एग्स वो कर देते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा तो नहीं खाएगा, ये तो खाता ही नहीं, लेकिन किसी और के घर में जाके वो ज़रूर टेस्ट कर लेता है वही चीज़। अच्छा जी, अ हग दैट इज लॉन्गर देन 20 seconds विल प्रोड्यूस हार्मोन्स इन टू योर बॉडी डैट विल मेक यू ट्रस्ट द इंडिविजुअल हु इज हगिंग यू। ये मदर्स को तो बहुत ज़रूरी है करना, अपने जो बच्चे हैं उनसे ज़रूर हग करें और 20 seconds से ज़्यादा करें, ताकि हार्मोन्स जो हैं वो इंक्रीज हों और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट दोनों में पैदा हो। अच्छा, मदर्स तो कर ही लेती है, बाबा के लिए बहुत ज़रूरी है ये। ओके, पीपल आर ऑनेस्ट व्हेन दे आर टायर्ड। जब लोग थके हुए होते हैं वो ज़्यादा सच्चे होते हैं। कहते हैं ना, ज़्यादा बच्चे को बिज़ी रहना चाहिए या जो है ना लोगों को ज़्यादा बिज़ी रहना चाहिए, ताकि क्या हो, क्या कर सके, ताकि वो पॉजिटिव एनर्जी निकले उनके अंदर, ठीक है, नेगेटिविटी ख़त्म हो उनके अंदर। ये है, ये बात फैक्ट है। अच्छा जी, बीइंग अलोन इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। अकेले रहना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है, और हेल्थ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बीइंग अलोन इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो ये बच्चे जो अकेले रहते हैं ना, या जो अकेले होते हैं, जिनके बहन भाई नहीं होते, मतलब दादी नानी का कहना बिल्कुल सही होता है, इसका भाई ले आओ, इसकी बहन ले आओ, कि अकेले रहना बिल्कुल भी, ये बात भी प्रूव हो गई भाई कि अकेले रहना इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ओके जी, चॉकलेट रिलीजेज द केमिकल ऑक्साइटोसिन विच इज़ द सेम केमिकल योर बॉडी प्रोड्यूस व्हेन यू आर हैप्पी। मतलब भाई जितनी मतलब हम चॉकलेट अब आज से खा सकते हैं। इसमें केमिकल रिलीज होता है जिससे हम हैप्पी रहते हैं। तो चॉकलेट खाने से बंदा क्या हो जाता है, हैप्पी। तो आई थिंक बच्चों को वीक में एक दफ़ा तो ज़रूर खिला देनी चाहिए चॉकलेट। अच्छा जी, पीपल सीम टू बी हैप्पी व्हेन दे आर कैप्ट बिजी। पीपल क्या, बच्चे भी, ठीक है, अगर वो किसी भी चीज़ में बिज़ी हैं तो वो बहुत खुश रहेंगे। जब भी कहते हैं ना, हाइपर एक्टिव बच्चों को बिज़ी रखना चाहिए, ताकि उनका ध्यान जो है ना वो इधर उधर रहे और वो खुश रहें और वो बिज़ी रहें और वो किसी भी ऐसे काम में जो है वो आपको तंग ना करें। पीपल आर मोर लाइकली टू ब्लेम अदर्स व्हेन समवन नेगेटिव हैपन्स। पीपल्स क्या करते हैं, दूसरों को ब्लेम जब करते हैं, जब उनके अंदर क्या, जब भी कोई नेगेटिविटी हो रही होती है, ठीक है, नेगेटिविटी बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है, नेगेटिविटी हारने से, गेम में हारने से, या कोई हमारे साथ बुरा कर रहा हो मुसलसल, तो उससे भी नेगेटिविटी होती है, या हम कहीं देख रहे होते हैं कि जो है ना हमें ही मुसलसल कोई फोकस किए जा रहा है, बोले जा रहा है कि यू आर रॉन्ग, तो उससे भी नेगेटिविटी प्रोड्यूस हो जाती है। ओके,